योगेंद्र, आज बाबा भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती है। जयंती पर एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, क्या कुछ खास कार्यक्रम को लेकर? देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि भारत रत्न है और उनका आज यहाँ पर 131वीं जयंती समारोह राजस्थान में मनाया जा रहा है। अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। वहीं अगर बात करें तो डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी राजस्थान की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं और इसके साथ ही यहाँ पर भीम रत्न से जो अलग अलग क्षेत्रों के लोग हैं, कुछ आईएएस हैं, कुछ अन्य सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट है और पद्मश्री जो पैरा ओलंपिक अवार्डी है अपने लेखरा, उन्होंने भी उन्हीं को भी उन्होंने भीम रत्न से सम्मानित किया है। इसके अलावा एक आईएएस अधिकारी है और तमाम जो अधिकारी हैं जो कि क्षेत्र से जुड़े हैं, विशिष्ट कार्य करने पर उन्हें उनको अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें मंत्री ममता भूपेश, टीका जूली और भजन लाल जाटव इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। और क्योंकि इसमें जो एससी एसटी समाज से जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी तरफ से इसमें अलग अलग क्षेत्रों में जो कार्य करने वाले जो लोग हैं उनको भी इसमें सम्मानित किया जा रहा है। और एक कार्यक्रम जो है, क्योंकि आज जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है उनकी 131वीं जयंती है, तो इसके रूप में इसे में एक समारोह आयोजित किया जा रहा है। जी योगेंद्र, आज सुबह से देखा जा रहा है कि अशोक गहलोत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, आगे क्या कुछ कार्यक्रम उनके प्रस्तावित हैं? देखिए, ये मान के चलिए कि जिस तरह से ये पूरा कार्यक्रम है, क्योंकि ये माना जाता है कि भीमराव अंबेडकर जिन्होंने भारत को उनका संविधान दिया, उसके निर्माता और पूरी जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे, उन्होंने हर क्षेत्र, खासकर दलित पिछड़े और जो दलित वर्ग हैं और इसके अलावा महिलाओं के उत्थान के लिए उन्होंने काम किया।